मेरा लास्ट प्रोजेक्ट आया था लट्ठे दी चादर रीलोडेड, व्हिच वाज फीचरिंग फॉर्मर मिसेस वर्ल्ड फ्रॉम यूक्रेन कमालिया एंड सायरली बग्गा फ्रॉम पाकिस्तान. उससे पहले मैंने इन्हीं के साथ एक क्लब सॉन्ग किया था बाय द नेम ऑफ द प्रिटी गर्ल, व्हिच वाज फिल्म्ड इन यूक्रेन. और अभी हमारा एक और गाना आया है ब्रेक मी डाउन, व्हिच इज आल्सो फीचरिंग कमालिया. तो मुझे कमालिया के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उस्ताद राहत फतेह अली खान, हुज लाइक मोर लाइक अ ब्रदर टू मी, मुझे हमेशा उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. हमने मुल्की और गैर मुल्की सतह के ऊपर बहुत से ऐसे कॉन्सेप्चुअल काम हैं जिसमें आई रिमेम्बर हम हर रमजान में कैंपेन करते हैं फॉर फॉर द ऑर्फन्स ऑफ पाकिस्तान. तो वो करके हमें बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल ठीक. आर्टिस्ट अच्छा, जब भी आप कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपके माइंड में क्या होता है कि किस किस्म का म्यूज़िक जो है वो बनाना चाहिए जो सुनने वालों को पसंद भी आए? सो नॉर्मली किसी भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर के जहन में म्यूज़िक बनाते वक्त क्या जहन में क्या होता है? वेल, म्यूजिक का जहन से कोई ताल्लुक नहीं. वेल, इट इज एन इंट्यूशन. टू मी इट इज एन इंट्यूशन. आपको किसी भी चीज की आमद होती है, आपको कोई चीज महसूस होती है शिद्दत से, ठीक है? एंड देन यू नो दैट इंट्यूशन, योर गट फीलिंग्स, दे एक्चुअली लीड यू टुवर्ड्स दैट क्रिएशन. इसी तरह हमें किसी चीज के बारे में ख्याल आता है, हम बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं उसके बारे में, एंड देन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट होल प्रोसेस कि इसको बनाया जाए, इसको तख्लीक किया जाए. तो म्यूजिक बेसिकली मेरे नजदीक म्यूजिक एहसास का एक रंग है जिसका दिमाग से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है. यानी आपको लगता है कि ये एक इंट्यूशन होती है, एक आमद होती है जिसके बाद जो है आप उसको कंपोज करते हैं या मुख्तलिफ शेप्स देते हैं और आपको आइडिया होता है कि सुनने वालों को. लेकिन देखिए, बहुत से म्यूज़िक ऐसे होते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको आवाम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं. वेल, इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द क्राउड दैट यू आर एक्चुअली यू नो यू आर एक्चुअली पेनेट्रेटिंग इन टू. अब आजकल के म्यूजिक को अगर आप देखेंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसको तो मैं खुद पसंद नहीं करता. फॉर मी म्यूजिक इज समथिंग व्हिच इज रियली सोलफुल, जो आपकी रूह को एक इफेक्ट देती है, प्लेजेंट इफेक्ट. म्यूजिक इज अ मूड चेंजर टू मी, ठीक है? लेकिन जो म्यूजिक आज के दौर में बन रहा है, लॉलीवुड, बॉलीवुड, इवन हॉलीवुड, इट्स प्योरली कमर्शियल. वो एक मकसद के तहत बनाया जा रहा है कि इसने कमर्शियली लोगों को बस गैदर करना है, व्यूज लेने की दौड़ में लग गए हैं सब. म्यूजिक तो गायब हो चुका हो, चाहे वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है, चाहे वो हॉलीवुड है. प्योर म्यूजिक, द सोलफुल थिंग, द मेलोडियस म्यूजिक, इट हैज वैनिश्ड फ्रॉम एवरीवेयर. आई डोंट सी दैट, बट आई, यस, आई इंटेंड टू यू नो पार्टिसिपेट. वो कहते हैं ना कि शिकवा शबे जुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते. सो आई एक्चुअली फील दैट आई शुड डू समथिंग क्रिएटिव एंड इसी अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ आप करते रहे.